लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एटीन ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर एटींथ इज फाइंड के फॉर विच द सिस्टम हमें के की वैल्यू निकालनी है इन में अगर इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं तो तो के की क्या वैल्यू होगी ये निकालना है हमें तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेश लिख लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी फोर एक्स प्लस के वाई माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी राइट अब हमें के की वैल्यू निकालनी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन होती थी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू राइट अब ए वन ए टू क्या है ए वन यहाँ पे है टू ए टू है फोर बी वन है हमारा थ्री और बी टू है के इसी तरीके से सी वन है माइनस फाइव और सी टू है माइनस का टेन राइट अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी देखिए टू अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री अपॉन के इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन राइट अब आप ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल अब आप कोई सी भी दो कंडीशंस ले सकते हैं वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू ले सकते हैं या बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन सी टू ले सकते हैं आंसर सेम आएगा इसके ही इक्वल क्यों लेंगे क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है तो देखिए मैं आपको दोनों ही करके दिखा देती हूँ टू अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यह आया टू के इक्वल्स टू थ्री इंटू फोर तो के की वैल्यू कितनी आ गई थ्री इंटू फोर अपॉन टू दैट इज टू टू ज फोर तो के की वैल्यू आ गई सिक्स यहाँ पे भी सिक्स ही आएगी अगर मैं बी वन बी टू और सी वन सी टू को लेती हूँ इक्वल्स टू फाइव अपॉन टेन क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया फाइव इंटू के इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन फाइव नीचे आ जाएगा थ्री इंटू टेन अपॉन फाइव तो फाइव वन जो फाइव फाइव टू ज टेन देखिए के की वैल्यू सिक्स ही आई तो हैंस अबव इक्वेशन अबव इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होंगे जब के की वैल्यू वेन के इज इक्वल्स टू सिक्स होगा आंसर